कोविडच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वी देखील बैठक घेतली होती आणि त्याचा आढावा पुन्हा एकदा आज घेतलेला आहे। ज्या ज्या काही उपाययोजना केलेल्या आहेत, कोविड सेंटर असेल, त्याचबरोबर ऑक्सिजन बेड असेल, आय सी यू बेड आहेत, एक ॲम्ब्युलन्स आहेत, या सगळ्याचा औषधांचा सगळं ज्या काही फॅसिलिटीज आपल्याला या रुग्णांना द्यायच्या आहेत, या संदर्भातल्या किंबहुना कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग असेल, टेस्टिंग आहे, अँटीजेन टेस्टिंग आहे, आर टी पी सी आर टेस्टिंग आहे, या सर्वांचाच आढावा या ठिकाणी घेतलेला आहे। आणि एकंदरीत डिस्चार्ज रेट जो आहे हा या ठिकाणी 73% आहे, अतिशय चांगला आहे। त्याचबरोबर डेथ रेट कमी करण्याच्या देखील सूचना दिलेल्या आहेत, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याच्या सूचना दिल्या, त्याचबरोबर सर्व्हेलन्स असेल, त्यामध्ये टेस्टिंग असेल आणि एकंदरीत 1:10 म्हणजे एक पेशंटच्या मागे 10 लोकांना आपण जर कसं चेस द व्हायरस ही जी काही कन्सेप्ट आहे ती आपण या ठिकाणी राबवत आहे, त्यामध्ये आणखी वाढवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत। त्यामुळे जी जम्बो फॅसिलिटी आहे त्या काही ठिकाणी आपण उभ्या करतो आहे, परंतु यानंतर देखील ॲडिशनल जे काही करावं लागेल तशा देखील सूचना दिलेल्या आहेत। त्यामुळे एकंदरीत डिस्चार्ज रेट वाढवणं, डेथ रेट कमी करणं या सर्वांच्या बाबतीमध्ये या ठिकाणी आढावा घेतलेला आहे। आणि क्वारंटाईन सेंटरमध्ये जे रुग्ण आहेत त्यांना वेळच्या वेळी चांगल्या दर्जाचं जेवण मिळालं पाहिजे, त्याचबरोबर वेळेवर औषधं मिळाली पाहिजेत, या सगळ्या सूचना या ठिकाणी दिल्या जातात। सर, सुरू होणार आहे, महिना झाला ते आधी सुरू झालेलं आहे, त्यासाठी त्या पण ताबडतोबीने सुरू करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत। त्यामध्ये कुठलीही अडचण येणार नाही, निधीची देखील अडचण येणार नाही, त्यासाठी निधी देखील या ठिकाणी दिलेला आहे। 26 दिन में जिस तरीके से पेशंट बढे है, इसके पहले पेशंट बढ़ने के कारण आयुक्त का तबादला किया गया था, लेकिन जिस पिछले 26 दिन में जिस तरीके से पेशंट बढ़ रहे हैं और मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में 12-13 लाख रुपये का बिल बन रहा है, एक तरफ चेस द वायरस के नाम पर आप एक घर में जाते हो और एक आदमी से पूछते हैं आपके घर में कोई है क्या और आ जाते हो, क्या इस तरीके से आप चेस द वायरस सक्सेस कर पाओगे? इसके लिए तो मैंने सूचना दी है कि चेस द वायरस ये जो कंसेप्ट है इसकी अमल बजावनी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसके लिए मैन पावर बढ़ाने की सूचना दी है और जो फैसिलिटी है उनको रखने की आवश्यकता जहाँ पर है वहाँ भी फैसिलिटी बढ़ाने की सूचना मैंने दी है। जो लोग ज़्यादा बिल लेते हैं उनके बारे में भी कमिश्नर जी को मैंने कहा है कि ऐसे कोई अगर लोगों से ज़्यादा पैसे ले रहे तो ये ऐसा समय है कि एक दूसरे को मदद करना चाहिए, लेकिन ऐसा अगर गलत कोई काम करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की सूचना मैंने दी है। पिछले 26 दिन में क्या बदलाव नजर आया? आयुक्त डॉक्टर आयुक्त लाए गए तो मीरा भाईंदर को उम्मीद थी कि यहाँ पे बहुत अच्छा सुधार आएगा, बहुत अच्छा, लेकिन दुगने की वजह से पेशेंट मिलने लगे। देखिए, पहले लॉकडाउन था, बाद में लॉकडाउन थोड़ा रिलीज किया है, इसके वजह से थोड़े नंबर बढ़े हुए हैं, लेकिन जब टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से नंबर बढ़ेंगे, लेकिन मौत कम, डेथ रेट कम हो जाएगा। आखिर में अपने को डेथ रेट जो है उसे कम करना है, इसलिए ज़्यादा पैमाने पर मास स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, एंटीजन टेस्टिंग, सर्विलांस, इसको सब बढ़ाने की सूचना दी है। सर, परमानेंट रखेंगे, एंटीजन सेंटर परमानेंट बनाने वाले हैं, जो 15 करोड़ रुपए का बजट है कंटिन्यू रहेगा, काम चालू है, टेंपरेरी रहेगा या परमानेंट रहेगा? देखिए, ये जम्बो फैसिलिटी जो है, ये जम्बो फैसिलिटी कोविड पेशेंट जो नंबर्स बढ़ रहे हैं इनके लिए की गई है, और इसलिए जो टेम्पररी जहाँ जहाँ की गई है वो टेम्पररी होगा, लेकिन परमानेंट जहाँ की गई है वहाँ परमानेंट सकते हैं। विधायक प्रताप सरदेव ने मांग की थी कि 1 लाख यहाँ से प्राप्त किया जाए, नगर पालिका से भी देख रहे किसी भी तरीके से नहीं आ भी गया, 1 लाख, लेकिन हमको नहीं पता, मीडिया को नहीं पता, नहीं पता यहाँ पर अपने यहाँ महापालिकेच्या कोविड वर उपाय उपचार करण्यासाठी शासनाच्या वतीने देय केलेले, यापूर्वी देखील आपण पैसे दिले। सर,